हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ पैन कार्ड कैसे बनवाएंगे इसका वीडियो। तो नेपाल में आप अपना पर्सनल पैन कार्ड जो होता है वो कैसे बनवा सकते हैं इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपको जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सिंपली आपको इसे बनवाने के लिए एम्बेसी कार्ड जो है ज़रूरी पड़ता है। तो एम्बेसी कार्ड नेपाल में कैसे बनेगा इसका प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बना करके रख दिया हुआ हूँ। आप चैनल पे जाके एम्बेसी कार्ड का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, 6-7 वीडियो उसमें होंगे जिसको पूरा अगर आप देख लेते हैं तो एम्बेसी कार्ड बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इस वाली वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में ird.gov.np सर्च कीजिएगा, तो यहाँ पर आंतरिक राजस्व विभाग का एक वेबसाइट है वो खुल जाएगा। वेबसाइट खुल जाता है तो सबसे नीचे आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है व्यक्तिगत स्थायी लेखा नंबर, यानी कि यही वो ऑप्शन है जिससे आप अपना पैन कार्ड ऑनलाइन बनवा सकते हैं। या आप नीचे यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज के तौर पे करदाता पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार का एक विंडोज़ खुलेगा जिसमें आपको यहाँ पर सिंपली रजिस्ट्रेशन पैन वैट एक्साइज का ऑप्शन जो है वहाँ पर प्लस का सिंबल है, वो प्लस का सिंबल दबाएंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि हम अभी रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें एक यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वाले कॉलम में आपको यूज़र नेम यानी कि आप अपना नाम डालेंगे और नीचे वाले कॉलम में पासवर्ड और रीपासवर्ड, जो पासवर्ड आप डाले होंगे उसको दोबारा से डालना है और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, ये सब डालने के बाद में यहाँ पर नीचे आपको एक टिक लगाना होगा पर्सनल पैन पे। पर्सनल पैन पे टिक लगा देते हैं तो नीचे में आपको IRO नेम, तो IRO नेम में आप अपने नज़दीकी राजस्व कार्यालय का जो एड्रेस है वो डाल सकते हैं जहाँ पर आपका जो पैन बन करके तैयार होगा तो वहाँ पर आप इजी तरीके से कलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं ये सारा प्रोसेस करके आगे का प्रोसेस जो है वह मैं बताता हूँ। तो सिंपली आप सभी कॉलम को फिलअप कर देंगे तो नीचे यहाँ पे ग्रीन कलर का एक ओके का बटन दिख रहा होगा तो ओके दबाएंगे। जैसे ही आप ओके दबाते हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक जो है कि सबमिशन नंबर खुल के आता है। हाँ, तो ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो सबमिशन नंबर दिख रहा है ये सबमिशन नंबर आएगा, जो आप फॉर्म सबमिट किए हैं वो ये नंबर होगा। इस नंबर को आप सुरक्षित करके रखिएगा ताकि आप जब आपका जो पैन कार्ड है वो बन जाए तो आप अपने नज़दीकी कार्यालय में राजस्व कार्यालय के कार्यालय में जा करके इस सबमिशन नंबर को सबमिट करने के बाद आप अपना पैन ले। अब यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। जैसे कि मेरा नाम आसिक है और लास्ट नेम अली है तो यहाँ नेपाली में पहले आसिक लिखेंगे, बीच वाले भाग को छोड़ देंगे, मिडल नाम मेरा कुछ है नहीं और लास्ट नेम अली लिख देंगे। वही सेम चीज़ इंग्लिश में भी हमें डालना होगा तो वही चीज़ हम इंग्लिश में भी डालेंगे। नीचे में आप अपना बर्थ डेट यानी कि जो डॉक्यूमेंट में आपका जन्मतिथि है वो जन्मतिथि डालिएगा और राष्ट्रीयता में आप कौन से राष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इंडिया से है तो आप यहाँ से इंडिया वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। और आप लिंग अपना यानी कि पुरुष है महिला है तो पुरुष महिला में आप अपना जो पुरुष है तो पुरुष पे क्लिक कीजिएगा, महिला है तो महिला पे क्लिक करके यहाँ पर बासिंदा को प्रकार यानी कि आप किस तरह से नेपाल में रह रहे हैं, नॉन रेसिडेंट के तौर पे रह रहे हैं तो वहाँ से आप नॉन रेसिडेंट जो है चूज कर लेंगे। और बगल में आपको एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जो है वो अपलोड करना होगा जिसका बैकग्राउंड जो है वो सादा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए ये सभी जो प्रोसेस है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही कर रहा हूँ। मुझे वो एक्चुअली अभी पैन कार्ड बनवाना नहीं है तो मैं इसे अभी ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ तो इसे मैं अभी नहीं बनाऊँगा, केवल आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। एम्बेसी कार्ड का एक फ़ोटोग्राफ जो है वो जिसमें चारों जो कॉर्नर है वो आने चाहिए, वो एम्बेसी कार्ड आप यहाँ पर ब्राउज करके अपनी गैलरी से ले लीजिएगा फ़ोटो खींच करके। और उसके बाद में उसमें जो नंबर आता है एम्बेसी कार्ड का जो नंबर होगा वो सिंपली परिचय पत्र नंबर वाले कॉलम में भरना है और जारी करने कार्यालय यानी कि आप भारतीय राजदूतावास जो है आपका एम्बेसी कार्ड जारी किया है तो वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। और कार्यालय का स्थान यानी कि काठमांडू से बना है तो काठमांडू डालेंगे।
और उसके बाद जारी गरे को मिति यानी कि कौन से डेट में आप उसे बनवाए हुए थे, तो उस डेट को यहाँ पर डाल करके और नीचे जो ब्राउज वाला जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें आप जैसे कि एम्बेसी कार्ड का जो फोटो होगा वो अपलोड करना है, तो सिंपली आप वहाँ पर सारा प्रोसेस करके ओके पे क्लिक कीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे कॉलम में हमारा एम्बेसी कार्ड जो है वो अपलोड हो चुका है। अब नीचे में देखते हैं रिलेशन, यानी कि आप यहाँ पे किसी रिलेशन या नातेदार का यहाँ पर रखना होगा आपको, जैसे कि पिताजी आपके यहाँ पर रहते हैं या कोई दूसरा कोई व्यक्ति आपके साथ रहता है, तो यहाँ से आप सिंपली ऑप्शन जो है वो निकाल लीजिएगा नाता, यानी कि यहाँ पे पिताजी आपके साथ में रहते हैं तो बुआ आप यहाँ पे रिलेटिव के तौर पे रख सकते हैं, पैन कार्ड उनका है तो रखिएगा या छोड़ दीजिएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पहलो नाम यानी कि हसमत अली जो मेरे पिताजी का नाम है, तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक हसमत अली ही लिख दिया, मुझे ये अली जो है वो लास्ट नेम में लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर जो है स्क्रीन में मोबाइल की स्क्रीन में लास्ट नेम का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐसे ही ट्राई किया है। आप जैसे कि आप राइट साइड में स्क्रॉल कीजिएगा तो जैसे यहाँ पे देखिए बीच को नाम यानी कि मिडल नेम ऑप्शन आ रहा है और लास्ट में अंतिम नाम जो होता है वो अंतिम नाम का भी ऑप्शन आएगा। वहाँ पर अंतिम नाम के ऑप्शन के नीचे एक प्लस टाइप का सिंबल बना होता है, उस प्लस को आप चिन्हित कीजिएगा, तो यहाँ पर नीचे जो खाली जगह देख रहे हैं इसमें आप जो भी रिलेटिव का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिए हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस वाला जो सिंबल है वो नहीं आया है, तो इसके वजह से यहाँ पर मैं प्लस नहीं दबा पा रहा हूँ, जिसके वजह से ये जो बॉक्स खाली देख रहे हैं ये बिल्कुल खाली का खाली रह जा रहा है। लेकिन आप लोग डेस्कटॉप या फिर कंप्यूटर लैपटॉप से करते हैं इस प्रोसेस को तो यहाँ पर आपको प्लस वाला जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा, और प्लस वाला ऑप्शन को दबाना एकदम अनिवार्य है। जब तक आपका ये खाली जो रहेगा जगह तब तक आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है सबमिशन नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और उसके नीचे वाले प्रोसेस पर थोड़ा सा हम नज़र रखते हैं। यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम यानी कि कौन से सोर्स से आपका पैसा जो है वो आ रहा है, तो आप कुछ किसी के यहाँ जॉब वगैरह करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट रख लेंगे, मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ तो यहाँ पर बिजनेस वाले ऑप्शन को टिक कर दिया है। और बिजनेस का प्रकार जो है वो यहाँ पर हम दे देंगे इन्वेस्टमेंट। बिजनेस का जो उप प्रकार है वो यहाँ पर मेरा जो कपड़ा का बिजनेस है तो यहाँ पर नहीं है, तो मैंने ऑर्डर्स रख दिए। और ये प्रमाण पत्र नंबर में आपका जो शॉप वगैरह जो होगा जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे शॉप का पैन नंबर वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर आता है परमानेंट अदर एड्रेस यानी कि अस्थाई ठिकाना, आप इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हैं ये सभी जो इसमें दिख रहे हैं आपको ये सभी फिलअप करने हैं, स्टेट सिटी स्ट्रीट फ़ोन नंबर मतलब एस्ट्रिक का निशान जिसमें आपको दिख रहा है वो भरना अनिवार्य है। और जिसमें एस्ट्रिक है जैसे कि ईमेल देख रहे हैं वेबसाइट देख रहे हैं इसमें एस्ट्रिक यानी कि स्टार का सिंबल नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे में हम देखेंगे नीचे में अस्थाई ठिकाना यानी कि टेम्प्रोरी एड्रेस, आप जैसे कि नेपाल में परमानेंट तो नहीं रह रहे हैं टेम्प्रोरीली रह रहे हैं तो उसका जगह का एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, महानगर पालिका है या उप महानगर पालिका है वो डाल करके सिंपली जितने भी एस्ट्रिक वाला स्टार वाला जो ऑप्शन है उसको आप फिल करेंगे ही करेंगे, उसको आप छोड़िएगा नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट जो है सबमिट नहीं होगा। और नीचे में देख रहे हैं ये मेलिंग एड्रेस यानी कि पत्राचार जो है वो आपको कहाँ पर करेगा, ये जो कोई अगर इशू होता है इससे रिलेटेड पैन से रिलेटेड आपका तो किस जगह पर आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, तो आप जहाँ रहते हैं जिस जगह पे उस जगह को सिंपली फिर से यहाँ पे दे दीजिएगा, सेम वही एड्रेस डाल दीजिएगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बस अब इतना ही प्रोसेस है इसमें, इससे ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, तो सिंपली आपको यहीं तक भरने की ज़रूरत है। और नीचे में बैंक का जो डिटेल्स वगैरह मांगता है तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो डाल दीजिएगा, डालने से फ़ायदा ये होगा आपको कि अगर टैक्स रिटर्न होता है तो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में चला जाएगा, अगर अब बैंक अकाउंट नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट कर देने के बाद में पैन कार्ड बनने का जो प्रोसेस है आपके जो नज़दीकी राजस्व कार्यालय में वेरीफाई हो जाता है तो एक हफ्ते के अंदर यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर में आपका पैन कार्ड बन करके तैयार हो जाता है। तो इतना सब भरने के बाद में आप फॉर्म को एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि आप एक बार फॉर्म सबमिट कर देंगे तो वहाँ पर फिर से करेक्शन करने का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा आपको, तो एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और हाँ,
जो मैंने बताया है, जो फॉर्म भरते वक्त आपको खाली जगह में रिलेटिव का, यानी कोई आपका रिलेटिव जो है वो वहाँ पर जानकारी दिए होंगे, तो वो प्लस जब दबाएंगे तो इस खाली वाले जो कॉलम देख रहे हैं यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। तो जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कीजिएगा तो आपके द्वारा दिए गए रजिस्ट्रेशन के वक्त जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP पिन आएगा। उस OTP पिन को यहाँ पर डालने के बाद में आपका फॉर्म जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। इसी वजह से मेरा फॉर्म यहाँ पे सबमिट नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोसेस यही है। जो प्रोसेस मैं जानकारी देना चाहता था आप लोगों को वो मैं प्रोसेस जानकारी दे दिया हूँ। होप आप लोगों को इससे फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी होगी मैं आप लोगों को ज़रूर मदद करूँगा। और हाँ, वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।